नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अक्षय कुमार बॉलीवुड के एक सुपरस्टार हैं। साल में उनकी एक या दो फिल्में आती ही रहती हैं, लेकिन आज हम उनकी फिल्मों के बारे में बात न करके बल्कि उनकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अक्षय कुमार का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जा चुका है, लेकिन दोस्तों एक समय अक्षय 63 साल की एक विधवा हो चुकी अभिनेत्री से शादी करना चाहते थे। दोस्तों, वो अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि रेखा हैं। दोस्तों, रेखा ने 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन एक साल में ही उनकी मौत हो गई। लेकिन रेखा आज भी सिंदूर लगाती हैं और खुद को कभी विधवा महसूस नहीं होने देती। लेकिन फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में रवीना टंडन, अक्षय और रेखा ने साथ में काम किया था। उसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। उन्होंने शादी का फैसला भी किया था, लेकिन उसी दौरान अक्षय की ज़िंदगी में ट्विंकल खन्ना के आ जाने से रेखा ने खुद ही अक्षय से रिश्ता तोड़ लिया, जिससे रेखा से अक्षय का शादी करने का सपना सपना ही रह गया।